दोस्तों फाइनली आईपीएल का टूर्नामेंट जो है फिनिश हो चुका है और मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि अगर आपने पूरे आईपीएल टूर्नामेंट को मॉनिटर नहीं किया है तो एट द एंड यहां पर हम लोग कुछ स्टेट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर आएंगे, जैसे कि अगर मैं कहूं फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया या फिर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो है किसको दी गई, मैक्सिमम सिक्सेस जो है आईपीएल में किसने लगाए, तो ऐसे बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो चलिए इनको एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई है वो चौथी बार जो है इस आईपीएल का टाइटल विनर है। ओके, इससे पहले 2013 में, 15 में, 17 में और 19 में जो ऑड ईयर्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट बेसिस पर 13, 15, 17, 19, तो इसमें जो है मुंबई जीता है और मुंबई के बाद आता है कौन, चेन्नई। चेन्नई के पास 3 टाइटल है, ठीक है। तो अभी आपको ये देखना होगा कि जो फाइनल मैच है ये खेला गया हैदराबाद में। हैदराबाद का एक स्टेडियम है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो वहां पर ये फाइनल मैच खेला गया और पहले मुंबई ने टॉस जीता और मुंबई ने बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए 8 विकेट खोकर। इसके बाद में चेन्नई जो है ये बैटिंग करने उतरी और चेन्नई ने 148 रन बनाए 7 विकेट खोकर और लास्ट गेंद पर जो है ये हार गई और ये पूरे मैच को मुंबई ने 1 रन से जीता, ठीक है। अब यहां पर और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको हम देख लेते हैं। फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच दिया गया वो दिया गया बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। और रोहित शर्मा जो विनर टीम है उसके जो टाइटल है, तो टोटल जो प्राइज मनी है विनर टीम के लिए वो रखी गई थी 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 20 करोड़ जो है ये जो विनर टीम है मुंबई इंडियंस इसके कैप्टन को दी गई। और जो फर्स्ट रनर अप है जैसे चेन्नई, तो चेन्नई को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। तो ये तो प्राइज मनी था यहां पर इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। आपको यहां पर देखना होगा कि जो स्पॉन्सरशिप कौन कौन है इस बीबो आईपीएल में, तो जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो है बीबो के पास में। तो आपने हर जगह देखा होगा बीबो आईपीएल, ठीक है, बीबो आईपीएल 2019, तो बीबो जो है ये एक टाइटल स्पॉन्सर है इसका। और अगर मैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की बात करूं तो ब्रॉडकास्टिंग हुई है स्टार स्पोर्ट्स पर, ठीक है। और अगर स्ट्रीमिंग की बात करी जाए, डिजिटल स्ट्रीमिंग, तो ये आपने देखा होगा हॉटस्टार मोबाइल एप्लीकेशन, इस पर ये चीजें देखने को मिली है। ऑफिशियल पार्टनर की बात की जाए तो हैरियर जो टाटा की गाड़ी है और एफवीबी, स्टार बीआईपी और ड्रीम 11, ठीक है। ड्रीम 11 आपने देखा होगा, इसमें अपनी टीम आप बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपनी टीम बनानी होगी और जो विनर होता है उसको पैसे मिलते हैं। हॉटस्टार बीआईपी क्या है, यह हॉटस्टार का ही एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको 1 साल का मेंबरशिप मिलता है, ओके। और यह है फैशन बिग बाजार और यह है हैरियर टाटा की गाड़ी, ओके। अब यहां पर अंपायर पार्टनर की बात की जाए तो इसमें पेटीएम है और ऑफिशियल स्ट्रेटजिक टाइम आउट पार्टनर, ये 2.5 मिनट का जो ब्रेक मिलता था उसमें सीएट टायर, ठीक है। अब यहां पर और भी इंपॉर्टेंट, जैसे ऑरेंज कैप की बात करूं तो ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, तो डेविड वार्नर, इन्होंने 692 रन बनाए और इनको ऑरेंज कैप दी गई, 10 लाख रुपए का प्राइज मनी इसके साथ में रहता है। और पर्पल कैप की अगर मैं बात करूं तो ये इसका भी प्राइज मनी 10 लाख रहता है और ये इमरान ताहिर को दी गई, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 26 विकेट अपने नाम पर किए, ओके। इसके बाद अगर मैं कहूं कि हाईएस्ट स्कोर पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन किसने बनाए, तो ये बनाए जॉनी ब्रेडसो ने, इन्होंने 114 रन का स्कोर बनाया। और अगर आप कहें कि बेस्ट बॉलिंग किसने की, तो ये की है 6/12 अलजारी जोसेफ ने, ठीक है। तो ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं और जो जॉनी ब्रेडसो ये है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। यहां पर क्विकली रिव्यू हम और करेंगे, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है इसमें 369 पॉइंट्स के साथ में आंद्रे रसल टॉप पर है और जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब है वो आंद्रे रसल को दिया गया और जो फेयर प्ले अवार्ड है वो किस टीम को दिया गया, सनराइजर्स हैदराबाद। आपको बता दूं कि जो फेयर प्ले अवार्ड है वे बेसिकली होता क्या है, फेयर प्ले अवार्ड में क्या है, अंपायर कुछ पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। अंपायर जो है जो टीम होती है उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं। और भी इसमें क्राइटेरिया क्या है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अपोजिशन, लॉज ऑफ क्रिकेट एंड एम्पायर्स, ठीक है। तो ये जो है किसने किया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने लगाए, सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है ये आंद्रे रसेल के नाम पर रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, इन्होंने 52 सिक्स जो है अपने नाम पर किए। और अगर मैं कहूं कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो इंडिविजुअल, अभी हमने बताया था 114 जॉनी ब्रेडसो का, और आंद्रे रसेल जो है केकेआर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स इस टीम के खिलाड़ी रहे।
और आंद्रे रसेल इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट भी रहा। आपने देखा होगा अगर आईपीएल को फॉलो किया होगा तो जैसे ही जरूरत पड़ती थी तो रनों की बौछार इनके द्वारा की जाती थी। और जो सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड है फोर्स वो रहा है शिखर धवन के नाम पर, 64 इंडिविजुअल फोर्स इन्होंने अपने नाम पर किए। ओके, इसके अलावा कुछ और अगर मैं बॉलिंग लीडर बोर्ड की बात करूं तो इमरान ताहिर, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 विकेट इनको जो है पर्पल कैप भी मिली। और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात की जाए तो ये रहा 6/12 है। मुंबई इंडियंस के ये तीन खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग में बहुत आगे रहे, जैसे ये है अलजारी जोसेफ और अंकुल रॉय। ठीक है, तो बेस्ट बॉलिंग एवरेज की बात करें तो ये रहा है इनका 11 का और इकोनॉमी इनका रहा है बेस्ट इकोनॉमी 5.50 का। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरी चीज देखना है कि मोस्ट डॉट्स, सबसे ज्यादा जो खाली गेंद निकाली जाती है मोस्ट डॉट्स, वो किसके द्वारा निकाली गई, दीपक चहर, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, 190 इन्होंने डॉट बॉल्स निकाली अपने द्वारा। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और देखनी होंगी कि जो सबसे बिगेस्ट सिक्स, सबसे लंबा छक्का इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया, 111 मीटर लंबा। इसके बाद हार्दिक पांड्या 104 मीटर लंबा। ओके, इसके अलावा अगर मैं हैट्रिक की बात करूं तो दो पूरे आईपीएल में हैट्रिक हुई, एक हैट्रिक जो है श्रेयस गोपाल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं इनके नाम पर रही, और एक बनाई है सैम्स कुरियन ने किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है आपसे इस फॉर्मेट में कोई भी प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे सर्वाधिक जो चौके हैं 64 लगाए शिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स के। अगर मैं एक इनिंग में बात करूं तो 12 चौके लगाए गए जॉनी ब्रेडसॉ के द्वारा, सनराइजर्स हैदराबाद के ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सर्वाधिक छक्के 52 लगाए गए आंद्रे रसेल केकेआर, और एक इनिंग में अगर बात की जाए तो किरण पोलार्ड ने सर्वाधिक छक्के लगाए। ओके, अब यहां पर आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो 50 है 50 रन किस खिलाड़ी ने एज ए इंडिविजुअल बनाए, तो डेविड वार्नर इन्होंने 12 बनाए, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं ये और यही टॉपर है। और मोस्ट सेंचुरीज की बात की जाए तो एक सेंचुरीज बनाई गई, किसी भी खिलाड़ी ने दो सेंचुरी नहीं बनाई, इसमें जॉनी ब्रेडसॉ, विराट कोहली इनके नाम शामिल हैं, तो अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। और सबसे तेज जो 50 ये बनाई है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, 17 गेंदों पर 50 रन इन्होंने बनाए। और अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो इन्होंने 18 गेंदों पर 50 रन बनाए, ये है दिल्ली कैपिटल्स के। पहले दिल्ली का नाम अलग था, अब बाद में इसका नाम कर दिया गया दिल्ली कैपिटल। ठीक है, दिल्ली डेयर डेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया था। आपको ये देखना होगा कि ऐसे पर्सन जिन्होंने 100 रन बनाए, तो इसमें 6 खिलाड़ी शामिल हैं, डेविड वार्नर इन्होंने 100 रन बनाए, केएल राहुल, विराट कोहली, जॉनी ब्रेडसॉ, अजिंक रहाणे और संजू सैमसन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज शतक कौन से खिलाड़ी ने बनाया तो ये होगा जॉनी ब्रेडसॉ, इन्होंने केवल 52 गेंदें खेली और 114 सर्वाधिक रन भी बनाए और सबसे तेज शतक जो है अपने नाम पर किया 52 गेंदों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो राहुल चहर है ये मुंबई इंडियंस के हैं और इनको ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड ये दिया गया। तो ये एक आईपीएल का छोटा सा समरी व्यू था, बाकी आप न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि टाइटल स्पॉन्सर क्या है, प्राइज मनी कितनी दी गई, ठीक है, और कौन सी टीम विनर है, कितने टाइम विनर है, यही आपसे प्रश्न जो है एक दो यहाँ पर बनते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन छोटा सा है लेकिन समझ में आया होगा। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगर कोई आपका पॉइंट छूट गया हो, आपको अगर क्रिकेट की ट्रिविया याद हो तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको इस पूरे आईपीएल में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या लगा प्लीज जरूर कमेंट करें अगर आपने इस आईपीएल को फॉलो किया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।